Good morning students. Today we will discuss about the historical view of English language. As you are seeing, before this, as we know, language is the part of human life. And we are discussing here the language that is English. English is the language with which we can express our thoughts and feelings of social group. लेकिन ये जो English है ये Indian के लिए foreign language है. So it becomes necessary to think over about the history and place of English in school curriculum. So यहाँ हम देख रहे हैं historical view of English language. As we know कि history of English in India, अगर हम pro independence पे जाएं तो देखेंगे कि our country India was ruled by Britishers and at that time this language enjoyed a royal place, a place. At this time, English language enjoyed a royal place. English occupied a very important role. There are some reasons for the place of English before independence. English was official language of the courts. हमारे कचहरी में, कोर्ट में, ऑफिसेस में उस टाइम इंडिपेंडेंस से पहले इंग्लिश का ही यूज होता था. इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सारा प्रशासन अंग्रेजों का प्रशासन था तो इंग्लिश लैंग्वेज ही उस टाइम यूज होती थी. एंड इट वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉलेजेस. हायर एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में ही होता था और इट वॉज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन. हमारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उसका मीडियम इंग्लिश ही होता था. एंड इट इज वेरी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन ऑल क्लासेस. द प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद इसमें बहुत ड्रेस्टिक चेंजेज आए इंग्लिश के प्लेस में. एंड ये इट वॉज लैंग्वेज ऑफ रूल्स हु हैड एक्सरसाइज क्रुएल्टीज ओवर इंडियंस. सो द फर्स्ट रिएक्शन वॉज, पहला सबसे आज़ाद होने के से पहले जो सबसे पहले रिएक्शन हुआ कि इंग्लिश को कैसे डिथ्रोन किया जाए, इसकी पोजीशन कैसे कम की जाए. तो इन कंसीक्वेंसेस देयर आर सम स्टेप्स वी आर सीइंग हियर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश का क्या प्लेस था. देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने देवनागरी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया इन ऑर्डर टू गिव हिंदी सफिशियंट टाइम टू रिप्लेस इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. इंग्लिश वॉज डिक्लेयर टू कंटिन्यू एज एन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. 15 साल के लिए इसे एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया. दैट इज वी कैन से 1950 में डिक्लेयर हुआ कि 1965 तक इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी. फिर नेक्स्ट, इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. फिर ये हुआ कि इंग्लिश अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेगा और रीजनल लैंग्वेज बिकेम द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिक्लेयर किया गया कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रीजनल लैंग्वेज ही रहेंगी, अपने अपने स्टेट्स की लैंग्वेज ही रहेंगी. इंग्लिश सीजन टू बी कंपल्सरी सब्जेक्ट. मेन जो मोटो था कि हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश
नहीं पढ़ाया जाना है, रीजनल लैंग्वेज ही अपने अपने स्टेट में पढ़ाई जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड यूजिंग रीजनल लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन ने में भी स्टेट गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया। तो जैसा हमने देखा कि प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो इट इज वेरी क्लियर दैट इंग्लिश डिड नॉट हैव द सेम प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इट हैज इन डेज बिफोर इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।